सबसे बड़ी खबर ये है कि हाल ही में शैक्षिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक आरपी शर्मा को रिश्वत के आरोप में विजिलेंस आगरा ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन तमाम शिक्षक संघ इस कार्रवाई को साजिश बता रहे हैं। वहीं फर्जी शिक्षक की आँच की आँच में झुलस रहे अजय पाल जी, क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ हैं अजय पाल जी, क्या मसला है पूरा, किस तरह से आप परेशान हैं? मैं परेशान हूँ कि मेरी एक साथ 1989 की नियुक्ति है, जब से मैं वेतन प्राप्त कर रहा हूँ। 2022 में तत्कालीन डीआईजी थे मनोज कुमार, उसी समय जो है साकेत इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल ओम प्रकाश शर्मा, जो कि शिक्षा विभाग में दलाली करते हैं, वो आए वहाँ पर, जो उन्होंने बदतमीजी में थोड़ा हॉट टॉक हुई, उसमें उन्होंने जो है डीआईजी मनोज कुमार, एडीआईजी मौर्य जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ FIR कराई। 156(3) में उन्होंने FIR कराई और मेरी शिकायत शासन में की कि साहब जी फर्जी शिक्षक है और फर्जी वेतन ले रहा है, जो कि मेरी नियुक्ति वैध है, क्लियर है। 1989 से मैं कार्य कर रहा हूँ, आज तक मुझे वेतन मिल रहा है। इसके बाद जब इन्होंने शिकायत कराई तो विधान परिषद की समिति ने जो है जांच के आदेश दिए और जांच के आदेश संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा को दिए। आरपी शर्मा ने जे का नाम है जाँच की आख्या जो है DIS आगरा से मांगी। DIS आगरा ने अपनी आख्या बनाकर और क्लीन चिट देते हुए आख्या इनके यहाँ प्रेषित कर दी। इन्होंने वो आख्या शासन में नहीं दी, शासन में इनको बुलाया गया। शासन में जो है जब आख्या नहीं दी इन्होंने तो दोबारा से उनको बुलाया गया, फिर दोबारा जो है DIS द्वारा आख्या दी गई, वो भी आख्या इन्होंने नहीं दी। अब बार बार 6 महीने से मुझे परेशान किए हुए, हर 7 दिन बाद एक लेटर निकाल देते कि सुनवाई के लिए तुम उपस्थित हो, सुनवाई के लिए आओ। मैं बहुत परेशान हो गया। 3 महीने से मेरा इन्होंने वेतन रोक दिया। मैंने वेतन के लिए पूछा कि भाई मेरा वेतन क्यों रोक दिया, तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, ना कोई लिखित में बताया मैंने कि डायरेक्टर ने रोका या किसी ने भी रोका, कोई आदेश हो मेरे को बता दो वेतन क्यों रोका गया है। पर इन्होंने मैंने कहा तो DIS से बात की, मैंने कि साहब मेरा वेतन क्यों रोका है। DIS साहब बोले कि JD साहब से बात करो, तो मैं JD साहब की बात की, JD साहब बोले कि बाबू से बात करो। तो मतलब ऐसे ही मुझे टहलाते रहे, परेशान करते रहे। मेन उद्देश्य इनका पैसा मांगना था। जब मैं ज़्यादा परेशान हो गया, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, 5 बार सर्जरी मेरी हो चुकी है, मैं खुद परेशान रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बीमारी की हालत है मेरी। इसके बाद भी इन्होंने इतना मुझे परेशान कर रखा, फिर इन्होंने जो है पैसे की डिमांड की। कितने पैसे की डिमांड की और किसके माध्यम से की गई? इन्हें अपने बाबू के माध्यम से 10 लाख रुपए की डिमांड की। मैं इनके इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर बाद में जो बोले क्या नाम है कि ऐसा करो 3 लाख रुपए मुझे पहले दे दो, 2 लाख रुपए बाद में दे देना और 5 लाख रुपए उसके बाद में दे देना, तुम्हारा वेतन भी जारी हो जाएगा, तुम्हारे पक्ष में भी आख्या हम बना के भेज देंगे। जब मैं परेशान हो गया, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो जब मैं SP विजिलेंस से मिला, उनसे अपना बताया कि नहीं सर मैं बीमार आदमी हूँ, इस तरीके से 3 महीने हो गए मेरे को, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है और ऐसे तरह से जो पैसा मांग रहे हैं। अजय जी, जिस तरह से आरपी शर्मा जी की बात की जाती है, तो आरपी शर्मा जी कहीं ना कहीं एक ईमानदार अधिकारियों में गिने जाते हैं, और ये शिक्षक भी कह रहे हैं, क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं और शिक्षक तमाम गुड़िया कह रहे हैं कि जो आरपी शर्मा जी पर जो क्या कहते हैं कार्रवाई की गई, वो साजिश के बतौर की गई है, इसमें कहीं ना कहीं साजिश की गई है, तो आपका क्या कहना है? सर, इनकी जाँच कर ली जाए। मथुरा के बहुत से विद्यालय वाले हैं जो इन्होंने परेशान किया हुआ, आगरा के विद्यालय वाले हैं, इनको मैनेजमेंट को इन्होंने हटाया हुआ है, इस तरीके से परेशान कर रखा है इन्होंने। और जो लोग शिकायत कर रहे हैं अब कुछ सामने नहीं आ रहे, अब कुछ लोग सामने आ रहे हैं एक एक करके, जब इनकी गिरफ्तारी हो गई है तो अब सामने आ रहे हैं, वो लोग खुल के अपना बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपना एफिडेविट दे रहे हैं कि सब इनकी छवि कैसी थी और ईमानदार की छवि बनते थे और वैसे पैसा लेते थे। ईमानदार की छवि बनते थे, लेकिन कितने लोग इनके सामने आ रहे हैं अभी, जिस तरह से आपने बताया कि लोग सामने निकल के आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो कौन लोग हैं, कितने लोग सामने आए हैं जो इनसे पीड़ित हैं, जो जिनके इनके यहाँ पेंडिंग थे, जिन्होंने इन्होंने उनसे पैसे की मांग की, वो लोग जो है अब एक एक करके बिल्कुल सामने आ रहे हैं। अब तक 8-9 लोग सामने आ चुके हैं और 1-2 दिन में और भी जो है लोग इनके सामने आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपने जो शिकायत की है वो इसलिए की है क्योंकि आपको नियुक्ति नहीं दी जा रही थी, इसलिए आपने परेशान होकर, आप पे ये भी आरोप है कि आपकी नियुक्ति फर्जी है, तो क्या कितनी सच्चाई है? सर, मेरी 1/7/1989 की नियुक्ति है जी, 34 साल की मेरी जो है नौकरी हो गई, और अब आगे आदमी जी कह के साहब फर्जी है, कैसे? मेरा अनुमोदन मेरे पास में है, अप्रूवल लेटर मेरे पास में, वेतन बिल मेरे पास है, विद्यालय से बन के मेरा वेतन आता है, वेतन मेरे को मिल रहा है, आज तक मेरा वेतन नहीं रुका है, फिर कहाँ से मेरी नियुक्ति फर्जी है? जब DIS क्लीन चिट दे रहे हैं, शासन के लिए भेज रहे हैं, इनको बना के दे दी, तो मेरी नियुक्ति कहाँ फर्जी है? लेकिन जिस तरह से आप शिक्षक हैं, तमाम शिक्षक आरपी शर्मा जी के साथ खड़े हैं, उनकी बाप भाई कर रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं बोल रहा?
ये शिक्षक संगठन जो कि शिक्षक के लिए बोलना चाहिए और शिक्षक के संग ना बोल के ये लोग जो है अधिकारी के जो है लोच लगे हैं, ये कहीं खुद ना खुद उसमें घिरे हुए हैं, जाँचों में घिरे हुए हैं जे लोग वो हैं जो इनके खिलाफ आ रहे हैं, इनके सहयोग में आ रहे हैं। आपका कहने का मतलब है जो फर्जी लोग हैं जिनकी नियुक्ति फर्जी है वो आरपी शर्मा जी के साथ खड़े हैं या ईमानदार लोग खड़े हैं? जो फर्जी लोग हैं जिनकी जो है नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं, जिनकी जांच रुकी हुई है और वो जिनकी जांचें चल रही हैं वो लोग उनके पक्ष में आ रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना? मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ, मुझे न्याय मिले अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो, नहीं तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये जो है अभी जो जाँच हुई सभापति का जो है आदेश है, सभापति के यहाँ जी कह के आए हैं कि मेरे को वेतन मिल रहा है, मुझे यहाँ लिखा हुआ है, देखो जिस पत्र में लिखा हुआ है कि वेतन मिल रहा है और यहाँ भी इन्होंने 3 महीने से मेरा वेतन रुका हुआ है। ये विधान परिषद का जो है बिल्कुल आदेश है कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो, जब तक कोई जांच पूरी नहीं हो, जब तक वेतन ना रोका जाए। और आर पी शर्मा विधान परिषद में जी कह के आए हैं कि अजयपाल जी को हम वेतन दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं और यहाँ भी देखो 3 महीने मेरे को हो गए, 3 महीने से इन्होंने वेतन मुझे नहीं दिया है। तो क्या ये माना जाए आपके कहने के अनुसार कि आरपी शर्मा जी कहेंगे भ्रष्ट करप्ट व्यक्ति थे? बिल्कुल भ्रष्ट करप्ट व्यक्ति थे, वहाँ शासन में कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे जो है वेतन रुके हुए। क्या चाहते हैं वहाँ? मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो, मुझे न्याय मिले। और जो लोग फर्जी बता रहे हैं आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो इनके समर्थन में उनके खिलाफ भी जाँच होनी चाहिए। ये लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। ये है शिक्षा विभाग में जो सहायक अध्यापक हैं डीसी वैदिक इंटर कॉलेज में, इन पर जांच चल रही थी फर्जी शिक्षक होने की, जिसमें आरपी शर्मा जी वो जांच में थे। इसी जांच में 3 लाख रिश्वत लेते हुए आरपी शर्मा जी को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। अजयपाल जी का कहना यह है कि इसकी जाँच करा ली जाए, अगर जाँच में जो दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए, मैं जाँच के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो तमाम शिक्षक संगठन जो आरपी शर्मा जी के समर्थन में खड़े हैं, अजयपाल जी का कहना है कहीं ना कहीं वो सब लोग फर्जी हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति फर्जी है, इसलिए अधिकारियों की चाटुकारिता कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, आज वो आरपी शर्मा जी खड़े हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी जो अजयपाल जी कह रहे हैं वो वास्तव में सत्य है, ये जाँच के बाद ही पता चलेगा कि आरपी शर्मा जी सही ईमानदार व्यक्ति हैं या फिर अजयपाल जी जो सहायक शिक्षक हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।